डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश की पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे चल रहे हैं। पहले दो पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन और प्रोनाउन विद टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच करने जा रहे हैं और ये है एडजेक्टिव। सबसे पहले एडजेक्टिव की डेफिनेशन आपको बताता चलूं तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, उसकी क्वालिटीज को बयान करता है। डेफिनेशन आपको लिखी नजर आ रही है, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब और मॉडिफाई अ नाउन और प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। एग्जाम्पल बता रहा है ब्यूटीफुल, डेंजरस, गुड एटसेट्रा, ये यानी इसकी एग्जाम्पल है जो नाउन या प्रोनाउन की खूबी या खामी को बयान करता है। अब इसके बाद चलते हैं इसकी टाइप्स की तरफ। एटलीस्ट यहाँ पर 8 टाइप्स आपको जो है वो एक्सप्लेन की जाएंगी। तो सबसे पहले जो टाइप है ये हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इस एडजेक्टिव की टाइप का दूसरा नाम है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये एडजेक्टिव की वो टाइप है जिसमें नाउन या प्रोनाउन की डायरेक्टली कोई खूबी या खामी बयान की जाती है। एग्जांपल डेफिनेशन लिखी हुई है, इट डिस्क्राइब नाउन और प्रोनाउन, मोस्ट ऑफ एडजेक्टिव बिलोंग्स टू दिस टाइप। एग्जांपल बता रहा है आई एम हंग्री या आई एम ब्यूटीफुल, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे और जो एडजेक्टिव है ये हमारे पास है क्वांटिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एक ऐसी टाइप एडजेक्टिव की जिसमें हमने उसकी मकदार बयान करनी है। अगर कोई क्वांटिटी बयान की जा रही हो, मकदार बयान की जा रही हो, कुछ अमाउंट बयान की जा रही हो, तो वो कहलाता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जिस तरह आई हैव 20 पेंसिल्स, मेरे पास यानी 20 पेंसिलें हैं, तो अब इसमें क्वांटिटी बताई जा रही है तो ये एग्जांपल है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की। तीसरे नंबर पे जो हमारे पास एडजेक्टिव की टाइप है ये है प्रॉपर एडजेक्टिव। तो डेफिनेशन है, दीज आर एडजेक्टिव ऑफ प्रॉपर नाउन, प्रॉपर मींस स्पेसिफिक। अच्छा, जब प्रॉपर नाउन हमारे पास कोई किसी चीज को मॉडिफाई कर रहा होगा, प्रॉपर नाउन या कोई स्पेसिफिक वर्ड्स हैं वो अगर किसी चीज को बयान कर रहे हैं, तो अब वो जो एडजेक्टिव होगा वो हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव बन जाएगा, स्पेसिफिक एडजेक्टिव बन जाएगा। एग्जांपल बता रहे हैं कि अमेरिकन कार्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। अब ये वाला जो वर्ड है ये हमारे पास एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है, प्रॉपर नाउन है। तो अब ये अगर किसी चीज को बयान कर रहा है तो ये हमारे पास एडजेक्टिव, इसकी वजह से जो एडजेक्टिव होगा वो कहलाएगा हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव। अब इस वर्ड में ये एडजेक्टिव है, लेकिन चूंकि ये वर्ड हमारे पास नाउन प्रॉपर था, इस वजह से जो ये वाला एडजेक्टिव है ये हमारे पास प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाएगा। यानी प्रॉपर नाउन्स की वजह से जो वर्ड आगे मॉडिफाई किए जाएंगे, डिस्क्राइब किए जाएंगे, तो वो कहलाएंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ टाइप है ये है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। जैसे कि नाम से जाहिर है, डेमोंस्ट्रेटिव का लफ्ज निकला है डेमोंस्ट्रेशन से, यानी वजाहत करना। इट डायरेक्टली रेफर्स टू समथिंग और समवन। अब डायरेक्टली तौर पे अगर किसी चीज को बयान किया जा रहा है, किसी चीज की खूबी बयान की जा रही है या किसी चीज को जाहिर किया जा रहा है, उसकी वजाहत की जा रही है, तो वो कहलाएगा हमारे पास डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इट डायरेक्टली रेफर टू समथिंग और समवन। एग्जांपल बता रहा है, दैट बिल्डिंग इज सो वंडरफुल। अब देखिए, इस बिल्डिंग को डायरेक्टली जो है ना उसकी खसूसियात बयान की जा रही है, ठीक है। तो ये जो वंडरफुल एडजेक्टिव होगा ये हमारे पास डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। इसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास पॉसेसिव एडजेक्टिव। अच्छा, पॉसेसिव जो एडजेक्टिव है ये मिल्कियत को जाहिर करता है या ओनरशिप को जाहिर करता है। यानी अगर मैं किसी ऐसी चीज को बयान कर रहा हूँ जिसका मेरी जात के साथ तल्लक है, कोई और किसी ऐसी चीज को बयान कर रहा है जिसका उसकी जात के साथ अटैचमेंट है, अपनी ओनरशिप में है वो चीज, उस वक्त जो एडजेक्टिव होगा वो कहलाएगा पॉसेसिव एडजेक्टिव। यानी बता रहा है डेफिनेशन, इट इंडिकेट पॉसेशन और ओनरशिप, यानी ओनरशिप को बयान करता है या उसके पोसेशन को बयान करता है। माय कार इज पार्क्ड आउटसाइड। अब देखें, ये आउटसाइड हमारे पास होगा एडजेक्टिव, लेकिन जो माय है ये क्या है जी, मिल्कियत को जाहिर कर रहा है। अब इसमें ओनरशिप जाहिर हो रही है, इस वजह से जो एडजेक्टिव आएगा हमारे पास ये कहलाएगा पोसेसिव एडजेक्टिव। इसके बाद जो हमारे पास छठी इसकी टाइप है वो है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। अब जैसे कि डेफिनेशन से जाहिर है, नाम से हेडिंग से जाहिर है कि इंटरोगेटिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव की ऐसी टाइप है जिसमें सवाल पूछा जा रहा होता है, क्वेश्चन पूछने के लिए जो वर्ड यूज किए जा रहे हैं। अब अगर वो किसी चीज को मॉडिफाई भी कर रहे हैं तो वो हमारे पास जो क्वेश्चन वर्ड होगा, क्वेश्चन पूछने वाला, वो हमारे पास इंटरोगेटिव एडजेक्टिव में आएगा। दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव आस्क क्वेश्चन, यानी विच फोन डू यू यूज, यानी आप कौन सा फोन यूज करते हैं, तो ये हमारे पास जो वर्ड होगा ये हमारे पास इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होगा। इसके बाद नेक्स्ट वन है हमारे पास सातवें नंबर पे इनडेफिनेट एडजेक्टिव। अच्छा, अब इनडेफिनेट एडजेक्टिव में किसी की तरफ कोई मिल्कियत मंसूब तो की जाती है, लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं होती।
डायरेक्टली तौर पे जो किसी स्पेसिफिकली तौर पे किसी नाउन को मॉडिफाई नहीं करता, यानी स्पेशली नाम लेके या किसी को मुखातिब करके उसको मॉडिफाई नहीं करता, बल्कि ओवरऑल अनस्पेसिफिकली किसी चीज को डिस्क्राइब करता है, नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा। एग्जांपल बता रहा है, आई गेव सम कैंडी टू हर, यानी मैंने कुछ कैंडीज उसको दी। अब देखेंगे इसमें ये टू हर है तो इससे मतलब कोई हमारे पास नाउन तो है, प्रोनाउन है ये, लेकिन कोई स्पेसिफिक नहीं है कि किसको मुखातिब किया जा रहा है, तो ये हमारे पास इनडेफिनेट एडजेक्टिव कराएगा। इसके बाद सबसे लास्ट वाले हमारे पास कंपाउंड एडजेक्टिव। अच्छा, कंपाउंड एडजेक्टिव, अगर हमारे पास कंपाउंड वर्ड्स मिलकर किसी चीज को मॉडिफाई कर रहे हैं, कंपाउंड वर्ड्स का मतलब है दो या दो से ज्यादा अल्फाज का मजमूआ, जिस तरह माचिस बॉक्स, ये एक कंपाउंड वर्ड है, ठीक है। तो अब इस तरह और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो कंपाउंड की सूरत में नहीं, दो लफ्ज मिलकर एक लफ्ज बना रहे हो, अगर वो किसी चीज को मॉडिफाई कर रहे हैं तो वो हमारे पास कंपाउंड एडजेक्टिव कराएगा। एग्जांपल बता रहा है कंपाउंड एडजेक्टिव की, व्हेन कंपाउंड नाउन कंबाइंड वर्ड्स मॉडिफाई अदर नाउन्स दे बिकम अ कंपाउंड एडजेक्टिव। एग्जांपल बता रहा है, आई सॉ अ 6 फुट लॉन्ग। अब देखिए ये भी एक खूबी है, इसको मॉडिफाई कर रहा है 6 फुट लॉन्ग, ये तीन वर्ड्स मिलकर उन्होंने एक लफ्ज बनाया, एक मतलब चीज को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये हमारे पास कहलाएगा कंपाउंड एडजेक्टिव। तो ये हमने डिस्कस की इसकी 8 टाइप्स। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एडजेक्टिव में ही नेक्स्ट जो हमारा है वो है डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। अच्छा, अब एडजेक्टिव की हमने 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं। बाज़ बात हमने किसी चीज को अगर बयान करना है, अगर थोड़ी सी खसूसियत बयान करेंगे तो वो उसकी डिग्री पॉजिटिव डिग्री कहलाएगी। अब इसकी बुनियादी तौर पे 3 डिग्रीज हैं। सबसे पहली है पॉजिटिव डिग्री, दूसरे नंबर पे हमारे पास आती है कंपैरेटिव डिग्री, और थर्ड वन है हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री। अगर किसी चीज को थोड़ा सा यानी उसकी खूबी या बयान खामी बयान की जा रही है तो वो कहलाएगा पॉजिटिव डिग्री। अगर उससे मजीद उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बयान करनी है, मजीद उसको ज्यादा मॉडिफाई करना है, तो उसको कहलाएगा हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री। और सबसे ज्यादा अगर बहुत ज्यादा किसी चीज को मॉडिफाई करना है, बहुत ज्यादा यानी एंडिंग पॉइंट तक पीक पे जाके उसकी खसूसियात बयान करनी है, उसको मॉडिफाई करना है, तो हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री कहलाएगा। यानी मिसाल के तौर पर जो पॉजिटिव डिग्रीज हैं इनमें एक वर्ड है, जैसे एक एडजेक्टिव है गुड, अब ये इसकी पॉजिटिव डिग्री है, इसकी जो कंपैरेटिव डिग्री है वो है बेटर। इस तरह थर्ड वन इसकी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो है बेस्ट। अब ये हम वर्ड यूज करते रहते हैं, तो अब हमें इन डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव को भी सीखना है साथ के मुख्तलिफ किस्म जो एडजेक्टिव है उनकी आगे जो पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज कौन कौन सी है। इस तरीके से एक वर्ड है ब्यूटीफुल, अब ये तो इसकी पॉजिटिव डिग्री है, दूसरी इसकी कंपैरेटिव डिग्री होगी मोर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल अच्छा, मोर ब्यूटीफुल बहुत अच्छा या बहुत खूबसूरत। जो सुपरलेटिव डिग्री होगी इसमें यहां पर लगाएंगे मोस्ट ब्यूटीफुल। अब मोस्ट ब्यूटीफुल जो है ना ये सबसे लास्ट वाला है, यानी सबसे ज्यादा खूबसूरत। अब ये सुपरलेटिव डिग्री है जो इंतहा पे जाके यानी बहुत ज्यादा पीक पे जाके किसी भी चीज को मॉडिफाई करती है, किसी चीज की खूबी या खामी बयान करती है। तो ये डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव है 3। अगर बहुत सारे एडजेक्टिव यूज किए जाते हैं इंग्लिश ग्रामर में, टेंसेस में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, तो आपने एडजेक्टिव की डिग्रीज यानी सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री के साथ लाजमी सीखनी है। तो आज हमने डिस्कस किया एडजेक्टिव, ये हमारा तीसरा पार्ट ऑफ स्पीच था जो कि हमने विद टाइप्स एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत।